ऑन हो गया और ये पासवर्ड इसमें डालेंगे तभी ये स्टार्ट होगा। और तो इसमें उल्टा करके होता है रिवर्स, काफ़ी मज़ेदार है। टॉकिंग अबाउट द प्राइस, तो क्या है इस स्कूटर की प्राइस? तो ऑलराइट, सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो ऑफ रोड रेशर ऋषभ। और ये वीडियो पेट्रोल का नहीं, इलेक्ट्रिक होने वाला है। और मेरे साथ है मेरे पीछे द ओला S1 Pro, और अपने चैनल में पहली स्कूटर है जो कि इलेक्ट्रिक होने वाला है। और आज इलेक्ट्रिक स्कूटर का मैं रिव्यू करूंगा जो कि मेरे पीछे खड़ा है। पहले सिनेमैटिक देख लेते हैं, उसके बाद हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और इसमें इतना बताने लायक है, इतना बताने लायक है, शायद मैं खुद अभी आगे चल के वीडियो में कन्फ्यूज़ हो जाऊँ। सो कॉमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बता सकते हो कि मैं कहाँ कहाँ कन्फ्यूजन लिया। एट लास्ट मैं ये भी बताऊँगा, बहुत से लोग का कमेंट ये आएगा कि जो ओला स्कूटर है वो जल क्यों रहे हैं। तो उसका भी एक रीज़न है जो कि एक प्रॉपर तरीके से ओला वालों ने तो नहीं दिया है, बट एक इंडस्ट्रियल और अदर सोर्सेज से जो कि आइडिया मैं लगा सकता हूँ वो मैं आपको शेयर करूँगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। पहले सिनेमैटिक देख लेते, उसके बाद हम लोग रिव्यू करते हैं इसका। पर रिव्यू करना, और एक्चुअली मैं फ्रंट से बताऊं तो फ्रंट में एक रोबोटिक टाइप का लुक लग रहा है। आप इधर से अगर देख सकते हो, ओला की ब्रांडिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। एट द मिड ऑफ एयर इधर आपको एक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, टेलीस्कोपिक एक्चुअली। और इधर साइड आपको इंडिकेटर देखने को मिलते हैं, और फुट स्पेस काफ़ी है, काफ़ी डिसेंट फुट स्पेस है। यहाँ पे एक हुक देखने को मिल जाता है जिससे आप स्टफ अपना कैरी कर सकते हो, इधर साइड अपना फ़ोन रख सकते हो, इधर दोनों साइड। एंड यहाँ पे भी इन लोगों ने कुछ चीज़ें नहीं बिछोड़ी है। यहाँ पे आपको दोनों तरफ एक स्पीकर देखने को मिल जाता है जिससे आप म्यूज़िक भी अपना प्ले कर सकते हो एक्चुअली। और यहाँ पे USB चार्जिंग केबल इसमें देखने को मिल जाती है। एंड ये इसका एक इंस्ट्रूमेंटल कॉन्सोल है, काफ़ी लोडेड इंस्ट्रूमेंटल कॉन्सोल है, उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। एंड देखा जाए तो ग्रिप भी ओके है, काफ़ी बढ़िया ग्रिप है। और यहाँ पे आपको ग्रैबल्स देखने को मिल जाती हैं, और इधर साइड काफ़ी स्लीक डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाता है। जो पैसेंजर फुटरेस्ट है वो भी काफ़ी अच्छे से निकलता है, काफ़ी अच्छे से अंदर चला जाता है, एकदम कॉम्पैक्ट है पूरा सब कुछ इसमें। एंड यहाँ पे S1 Pro की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाती है। रियर से भी काफ़ी यूनिक लगती है स्कूटर। और इधर साइड तो का देखा जाए तो स्टैंड भी काफ़ी यूनिक है इसका, इधर साइड से आप स्टैंड इसका देख सकते हो, काफ़ी यूनिक है। तो फ्रंट से भी लुक काफ़ी अच्छा लग रहा है। दो प्रोजेक्टर लैंप आपको देखने को मिल जाते हैं, लो बीम और हाई बीम बोथ। और यहाँ पे डे टाइम रनिंग DRL आपको देखने को मिल जाता है, इसको आप एक्चुअली ऑफ भी कर सकते हो, काफ़ी अच्छी चीज़ है। थोड़ा सा इसके स्पेसिफिकेशन के ऊपर हम लोग बातचीत कर लेते हैं इसी के साथ। सो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक ऑब्वियसली बात है देखने को मिल जाता है। एंड जो मैक्सिमम पावर है वो आपको 8500 वॉट की देखने को मिल जाती है, 5500 वॉट की आपको रेटेड पावर देखने को मिल जाती है। 48 न्यूटन मीटर का टॉर्क इसमें आपको देखने को मिल जाता है। और जो ट्रांसमिशन है ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रिक है, ऑटोमेटिक आपको देखने को मिल जाएगा। एंड थोड़ा सा और बात करते हैं, जो इसकी कैरिंग कैपेसिटी है वो 150 kg है एक्चुअली। एंड ऑब्वियस जो आपको उसमें बैटरी देखने को मिलती है वो लेड एसिड कुछ नहीं देखने को मिलती है, लिथियम आयन बैटरी देखने को मिलती है जो कि काफ़ी कॉम्पैक्ट होती हैं, काफ़ी अच्छी होती हैं, इनका यूसेज काफ़ी अच्छा होता है। और लॉन्ग टाइम रिव्यू में भी काफ़ी अच्छी निकलती हैं लिथियम आयन बैटरी, और हम लोग के फ़ोन में भी आपको लिथियम आयन बैटरी एक्चुअली देखने को मिल जाती है। एंड जो चार्जिंग आउटपुट है वो 750 वॉट का है, पोर्टेबल है एक्चुअली। और 10,000 का सिर्फ इसका चार्जर है जो कि ओला S1 का आता है। एंड यहाँ पे जो आपको ओला S1 की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, यहाँ पे आप अपना चार्जिंग कर सकते हो, उसको भी अभी मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर में। एंड जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो आपको CBS देखने को मिल जाता है एक्चुअली। सो दिखाते हैं आपको, तो इधर साइड आपको CBS ब्रेकिंग देखने को उसमें मिल जाती है। एंड फ्रंट इज़ ऑफ 220 mm, एंड जो रियर है वो आपको 180 mm की डिस्क देखने को मिल जाती है, इधर साइड से 180 mm की डिस्क देखने को मिल जाती है। अलॉय काफ़ी यूनिक है इस मोटरसाइकिल के, सॉरी एक्चुअली स्कूटर के, इलेक्ट्रिक स्कूटर के 12 inches के आपको इसमें अलॉयज देखने को मिल जाते हैं। एंड द टायर साइज ऑफ दिस स्कूटर इज फ्रंट 100x70 R12 एंड द रियर वन इज 100x70 R12 विच इज़ ट्यूबलेस एक्चुअली बट नॉट अ रेडियल वन। सो फ्रंट में आपको सिंगल फोक देखने को मिलता है एंड रियर इज ऑफ मोनोशॉक। तो वेट इस इलेक्ट्रिक व्हीकल का 125 kg है एंड द ग्राउंड क्लियरेंस इज ऑफ 165 mm। सीट हाइट के ऊपर भी बात कर लेते हैं, तो 792 mm की, 792 कुछ की आपको सीट हाइट इस व्हीकल की देखने को मिल जाती है। सो मैंने काफ़ी ऊपर इसके ऊपर बात कर लिया, अब थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंटल कंसोल के ऊपर हम लोग बात करते हैं। सो ये कीलेस है,
इसमें आपको कोई की नहीं एक्चुअली देखने को मिलती है, बट अगर आपको इसको ऑन करना पड़ेगा तो दिखाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से आप इसको ऑन कर सकते हो, ये आपको कुछ मोड्स देखने को मिल जाते हैं, एको पावर एंड एको नॉर्मल, और जो कि एक और मोड है वो है पावर मोड। और यहाँ से पॉज प्ले कर सकते हो, यहाँ से वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हो, और इधर साइड से लो बीम हाई बीम, यहाँ रिवर्स और क्रूज कंट्रोल का भी आपको बटन देखने को मिल जाता है, यहाँ टर्न इंडिकेटर्स का बटन, यहाँ हॉर्न का बटन। सो काफ़ी ज़्यादा इसमें बटन देखने को मिलते हैं जिससे आप इंस्ट्रूमेंटल कंसोल को टॉगल कर सकते हो, और जो इंस्ट्रूमेंटल कंसोल है वो एक्चुअली टच है। सो ऑन करते हैं पहले। सो यहाँ से ये ऑन हो गया, और ये पासवर्ड इसमें डालेंगे तभी ये स्टार्ट होगा। और पहले हम लोग थोड़ा इसमें बैठते हैं, फिर इसका पासवर्ड एक बार डालते हैं। सो यहाँ से हम लोग इसको ऑन कर दिए, और जो इधर साइड आप म्यूज़िक प्लेस में कर सकते हो, यहाँ पे आपको बैटरी का इंडिकेशन दे देता है। इसका नॉर्मल मोड है वो अप्रॉक्स 140-145 तक चलता है। जो इसका स्पोर्ट्स मोड है वो इसको 120 तक किलोमीटर तक ले जाता है। ये आपके कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे इसको ड्राइव कर रहे हो। और इधर साइड आपको टाइम देखने को मिलता है, इधर किलोमीटर ओडोमीटर टाइप देखने को मिल जाता है अभी पार्किंग पे। एंड इधर साइड थोड़ा स्वाइप करते हैं, सो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा लोडेड इंस्ट्रूमेंटल कंसोल देखने को मिलता है, डिस्प्ले सेटिंग देखने को मिल जाती है। इधर साइड आप अपना ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हो, और इधर पासपोर्ट भी देखने को मिल जाता है जिसे आप चेंज कर सकते हो। अबाउट में देखने को मिल जाता है कितना आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया, और इसमें सॉफ्टवेयर वर्जन, ब्लूटूथ एड्रेस, वाईफाई एड्रेस, एवरीथिंग सब देखने को मिलता है। साउंड इसमें देखने को मिल जाता है, साउंड कम ज़्यादा कर सकते हो। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, सिस्टम अपडेट देख सकते हो, यहाँ पे सिस्टम अपडेट है कि नहीं आप अपडेट कर सकते हो, ब्लूटूथ के देख सकते हो। पैक करते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे आपको कॉल सर्विस सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है इस नंबर से। और यहाँ पे डिस्टेंस, एवरेज स्पीड, टॉप स्पीड आपने कितनी कैच करी, 84 तो मेरे फ्रेंड ने करी है, उससे और ज़्यादा ये जाती है अपने टाइम का। ये काफ़ी पावरफुल स्कूटर है, इसकी टॉप स्पीड काफ़ी और अच्छी है अदर स्कूटर से। हम लोग कंपेयर करें, कभी फ्यूचर में ट्रैक लगाने का मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर एक बार लगा के देखूँगा। सो चलाते हैं, अभी ये नॉर्मल मोड पे है। अच्छा, ब्रेक लगा था पता ही नहीं चल रहा है चल रही है कि नहीं। पहली बार बिना माइक के मैं आराम से बोल ले जाऊंगा, क्योंकि कुछ दिक्कत ही नहीं है। और पावर तो एक्चुअली है, पावर तो मुझे फील हो रही है स्कूटर में। एंड टॉकिंग अबाउट द ब्रेक्स, तो ब्रेक्स क्वाइट गुड, क्वाइट गुड। थोड़ा सा एक बार राइड मोड एक बार चेंज करते हैं, थोड़ा सा एक्सीलरेशन अच्छा है। एक्सीलरेशन काफ़ी सही है, काफ़ी सही एक्चुअली एक्सीलरेशन है। एंड थोड़ा सा राइड मोड चेंज करते हैं, स्पोर्ट्स मोड पे अभी हम लोग आ गए हैं। एंड जैसे आप ब्रेक लगाए हो, जैसे कुछ स्कूटर होते हैं हम लोग के ब्रेक लगा के भी हल्का हल्का चलते हैं, जैसे मैं इसमें ब्रेक लगाए तो बिल्कुल आगे नहीं बढ़ेगा, और जैसे आप ब्रेक रिलीज़ करोगे तुरंत बढ़ना चालू करेगा। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है इसमें, और स्पेस काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा मैं राइड कर रहा हूँ, मुझे काफ़ी मज़ा आ रही है एक्चुअली, इट इज़ क्वाइट नाइस एक्चुअली। चलते हैं थोड़ा सा और इसको चलाते हैं। सो काफ़ी अच्छा स्कूटर है एक्चुअली, पावर पिकअप इज़ टू गुड, पावर पिकअप इज़ टू गुड। पावर पिकअप काफ़ी अच्छा है, अभी मैं स्पोर्ट्स मोड में चला रहा हूँ इस स्कूटर को, एंड काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मुझे समझ में आ रही है इस स्कूटर की। और जो सीट्स हैं काफ़ी मज़ेदार हैं, काफ़ी मज़ेदार हैं। एक्चुअली आई एम इन्जॉइंग दिस। मैं फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिक स्कूटर चला रहा हूँ, मैंने वैसे तो चलाया कभी, रिव्यू नहीं किया है, बट ये इलेक्ट्रिक स्कूटर का एक अलग फील है, एक अलग मज़ा आ रही है इसको चलाने में। आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट दिस, बट एक अलग ही मज़ा आ रही है इसको चलाने में, और पावर एक्चुअली काफ़ी अच्छी है। मान लीजिए अगर आपको इसको इंडिकेटर को ऑफ करने के लिए इसको फिर से उतना ही दबाना रहता है, एंड काफ़ी मज़ेदार एक्चुअली। सो मैं फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ चला रहा हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है चलाने में, काफ़ी मज़ा आ रही है। एंड यहाँ से सारी सेटिंग से, एक तो इतना है कुछ इसमें कि मैं खुद कन्फ्यूज़ हूँ। काफ़ी अच्छी है,
आ गया हूँ नॉर्मल पे। मैंने थोड़ा सा इसको टच करने की कोशिश करी थी तो 95 किलोमीटर तक 96 किलोमीटर तक समथिंग मैंने इसको टच कराई थी। एंड ब्रेक्स काफ़ी अच्छे हैं इसके, काफ़ी अच्छे एक्चुअली ब्रेक्स हैं। मुझे काफ़ी मज़ा आई, पर्सनली मुझे काफ़ी मज़ा आई। एंड चलते हैं अपनी रेंज पे थोड़ा और बताते हैं क्या ऐसी प्रॉब्लम फेस हो रही है जिससे ओला जल रहा है। तो चलिए उसके ऊपर भी थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। पहले हम लोग स्कूटी लगाते हैं थोड़ा साइड पे। सस्पेंशन सेटअप भी देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा सस्पेंशन सेटअप है। एंड वेल, अगर आप फ्रंट से चला के बोर हो चुके हो तो आपके लिए इसमें रिवर्स का भी ऑप्शन है। लेट मी शो यू द रिवर्स वन यहाँ पे। सो पहले राइड मोड इनेबल करते हैं। सो यहाँ पे राइड मोड इनेबल, अब यहाँ रिवर्स आ गया। सो इसमें उल्टा करके होता है रिवर्स, काफ़ी मज़ेदार है, ज़्यादा नहीं होता लेकिन ठीक है, काफ़ी सही है यार। तो इसको फिर से ऑफ करते हैं और फ्रंट ऑन। सो करते हैं इसको स्टैंड वो इधर, और इधर साइड से आप इसको चार्ज कर सकते हो। यहाँ से आपको चार्जिंग के लिए देखने को मिल जाता है आपका चार्जर, इधर से आप चार्ज कर सकते हो इसको, इधर साइड स्पेस है। और अगर यहाँ पे आपको इसका बूट स्पेस खोलना है या ट्रंक खोलनी है तो इधर से आपको बटन दबानी पड़ेगी। यहाँ से ओपन हो गया और काफ़ी डिसेंट स्पेस मिलती है। दो हेलमेट्स तो आराम से एडजस्ट करके ही आ जाएंगे। इसको फिर से इधर से बंद करते हैं। सो रीज़न बिहाइंड क्यों ओला स्कूटर्स इतने जल रहे हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि मैंने स्टार्टिंग बताया, इसमें लिथियम आयन बैटरी होती है, काफ़ी कॉम्पैक्ट होती है, कैथोड एनोड इसमें होता है एंड पॉजिटिव नेगेटिविटी का पूरा काम होता है, नॉर्मल बैटरीज में भी एक्चुअली होता है। तो कॉम्पैक्ट होने के कारण थोड़ा सा इसका इशू आ रहा है। जैसे हम लोग इसको कहीं बाहर खड़े कर देते हैं जो टेम्परेचर होता है बाहर का मान लीजिए 45 डिग्रीज, तो अंदर मोटर में बैटरी में कितना डिग्रीज चल रहा है, जैसे कि मैंने देखा ना, से भी थोड़ा इशू आ रही है जो कि इंडस्ट्रियल सोर्स के कारण मुझे ये बात पता चली है। सो यही कुछ कारण है और थोड़ा सा बैटरी मैनेजमेंट का भी कारण है, कुछ थोड़ा सा सिस्टम में भी अपडेट करने का, कुछ ऐसे रीजंस निकल के आए जो कि मैंने गूगल करके देखे थे, तो ये मोस्ट प्रोबेबली रीज़न है। बाकी मैं पर्सनली बताऊँ मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। टॉकिंग अबाउट द प्राइस, तो क्या है इस स्कूटर की प्राइस, तो 1,55,000 में आपको ये ऑन रोड में मिल जाएगा। S1 Pro है ये, एक S1 आता है एक S1 Pro आता है, ये प्रो मॉडल है। S1 Pro में आपको थोड़े से कम फीचर देखने को मिलते हैं, बाकी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलती हैं दोनों में ही। एंड देखा जाए तो काफ़ी मज़ेदार ये स्कूटर मुझे लगा। और अच्छा रिव्यू देखने के लिए आप कैप्टन RTR का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। कैसा लगा? बढ़िया, बवाल चीज़ है। सो काफ़ी अच्छा स्कूटर मुझे लगा, पर्सनली मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ले सकते हो। एक्चुअली कानपुर में इसका शोरूम नहीं है, बट हाँ आप ओला के ऑफिशियल वेबसाइट से जाके अपनी बुकिंग कर सकते हो, वो खुद आपके घर तक आके स्कूटर आपका डिलीवर कर देंगे। काफ़ी अच्छा चीज़ है ये। सो वीडियो यहाँ से एंड करते हैं। सो साइनिंग ऑफ फ्रॉम हियर। सो वीडियो चलिए दोस्तों, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, राइट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग।